ओके गाइस, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सम्स को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी तो फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जैसे कि MCO 5 से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नू कोई अलग से कोई क्वेश्चन नहीं देता, जो बुक में इलस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वहीं से वो चीजें जो है दी जाती हैं। तो मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने फाइंड आउट किए हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं एक चीज और बताता चलूं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो नोट्स हमारे द्वारा दिए गए हैं आप सभी को, वो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी अगर आप सिर्फ कर लेते हैं, तो एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 80 नंबर आपके कोई नहीं रोकने वाला। तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके एग्जामिनेशन में जिसमें जो कि आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करना रहता है। और आई एम श्योर कि कम से कम 4 क्वेश्चन आपको MCO 5 में सिर्फ मिल जाएंगे, मतलब 80 नंबर तो आपके ऐसे ही कवर हो गए। बाकी के 20 नंबर अगर आपको क्वेश्चन वो आता है तो अच्छी बात है, सम अगर नहीं आता है तो आप स्टेप मार्किंग के थ्रू भी आप मार्क्स ले सकते हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस में से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये जनरली रिलेटेड है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, काफी इंपॉर्टेंट है। MCO 5 में जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, तो अकाउंटिंग में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। एंड मैं आपको यूनिट नंबर बता दूंगा, पेज नंबर तो आई गेस, हाँ पेज नंबर भी आई गेस बता दूंगा मैं, 13 नंबर ये पेज है। आप एक बार जाकर के इन सबको देखिए, अगर आपके पास ऑफलाइन कॉपी नहीं है, ऑफलाइन बुक नहीं है, तो आप सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हैं। मैं आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं अभी आपको बता देने वाला हूँ। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन 9 है ये, MCO 5 का यूनिट 15, MCO 5 यूनिट 15 पेज नंबर 13 का इलस्ट्रेशन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेल्स एंड वेरिएबल दिए हुए हैं, 5 मार्क्स का है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है अगर दूसरा क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिया जाए। प्रिपेयर अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो चार्ट, अगर चार्ट आपसे पूछेगा तो इसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट। तीन तरह के प्रोडक्ट है यहाँ पे, तीनों तरह के प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो आपको निकालना है, साथ ही साथ उसके बेसिस पे आपको एक चार्ट भी प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो ये वो क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, एंड इसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। इसी तरह से वीडियोस में बना बना करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एंड वो आ सकते हैं या नहीं। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जिन लोगों ने नोट्स लिया है ऑल द बेस्ट, जिन लोगों ने नहीं लिया है, अगर आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छे तरीके से नहीं हुई है तो आप नोट्स ले सकते हैं हमारे पास से। नोट्स एट द रेट जस्ट 100 रुपीज में अवेलेबल है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है, MCOM BCOM सारे के सारे। इफ यू वॉन्टेड यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माई नंबर विच इज 8101065300, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिख जाएगा, ठीक है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट कॉल मी, ओके। सो सी यू लेटर, बाय बाय, थैंक यू।